हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सी सेट एग्जाम प्रिपरेशन। अभी हमें बोल सकते हैं बिकॉज कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कंपैरिजन की मेरे क्लास नोट्स और जो एग्जामिनेशन हॉल में मेरे पास 2024 सी सेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके पास क्लास में करवाए गए हैं जो मैंने क्लास में करवाए थे और वही आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में यानी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक, और बाकी जो क्वेश्चंस थे ना, जब मैं आपकी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस की जो आए हुए थे बात करूं, या मैं और किसी क्वेश्चंस की बात कर लूं ना, वो मैंने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया तो आप इजीली कर सकते थे। बहुत सारे भी आपको दिखाऊंगा, स्टूडेंट इंटरेक्शन भी आएगी कि किस लेवल का पेपर था, हमने किस लेवल का पढ़ा, तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी शॉर्ट्स के रूप में या वीडियोस के रूप में, जैसे भी अप्रोप्रिएट होगा मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं यूपीएससी सेट 2024 में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को कल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में, और बिल्कुल आराम आराम से समझाएंगे। ठीक है, वैसे तो डिस्कशन हमने कर लिया था, बट नंबर सिस्टम अकेला मैं लेके आया हूँ इसलिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आए थे और बच्चों को थोड़े बहुतों को दिक्कत है, तो बिल्कुल आराम से मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, और न्यू बैच हमारा बहुत जल्दी ही आ रहा है सी सेट के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फॉर सी सेट, जिसमें बहुत अच्छे से क्वांट कराई जाएगी, बहुत अच्छे से रीजनिंग, बहुत अच्छे से इंग्लिश। और ये कोई पेपर इतना आसान पेपर भी नहीं था कि आप बोलेंगे हाँ जी हलवा टाइप का, नहीं, ये पेपर वो था कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी और जनरली तैयारी करनी पड़ेगी। ये वो नहीं था कि आपने 2-3 महीने पढ़ा और हो जाना है, ऐसा भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब ये एक अच्छे लेवल का पेपर था, थोड़ा सा एडवांस लेवल का पेपर था। हाँ, पिछली बार वाले से आसान बोला जा रहा है, ये पेपर आसान इसलिए लग रहा है कि पिछली बार वाले को कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि अगर मैं 2023 की कंपैरिजन करूं 2024 से, तो मेरे पास ये पेपर बहुत आसान लग रहा है स्टूडेंट्स को, बिकॉज यहाँ पे उन्हें क्वेश्चन देखे देखे लग रहे हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हैं। ठीक है, तो पिछले साल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के काफ़ी क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा डाउन है। अगर आप पिछले लेवल के पिछले साल के क्वेश्चन से बात करो, 2020-21 से कंपेयर करो, तो ये अच्छे लेवल का पेपर आपके पास। क्लियर, तो प्लीज़ 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 सीरियस रहिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो आगे तैयारी कीजिए, जिनको लग रहा है कुछ कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, डीमोरलाइज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अभी अभिमन्यु आईएएस आपके साथ डट के खड़ा हुआ है, प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिए, और आप लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास बैच में, तो वो आप बुक कर सकते हैं। क्लियर, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत बैचेज आर अवेलेबल, तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपने व्यूज़ बताइए मुझे और बात कीजिए मेरे साथ सी सेट के बारे में। क्लियर, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेंड इन द प्रोडक्ट 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 और 25 की पावर 50। देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था, अगर आप ध्यान से देखो, 1 है इसकी पावर इसकी डबल है, 2 है इसकी पावर इसकी डबल है, ठीक है, 3 है इसकी पावर डबल है, 4 है इसकी पावर डबल है, और लास्ट क्या है 25 की पावर 50 है। सॉरी, अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन का बेसिक्स क्या है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास अगर मुझे 10 बनाना है, यानी एक जीरो चाहिए, अगर मुझे एक जीरो चाहिए तो क्या मैं 2 × 5 करके रखूंगा, इज़न्ट इट, है ना। एक जीरो चाहिए तो मुझे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 चाहिए होगी, सही होगी। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर मेरे पास 2 2 है और 1 5 है, 4 × 5 = 20, यानी तब भी एक जीरो आएगा। यही अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 2 है और 5 2 है तो कितना आएगा, 100 आएगा, यानी 2 0। यानी बेसिकली जितने नंबर ऑफ 2s हैं उतने नंबर ऑफ अगर 5s होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 1 2 1 5 मिला के 1 0 बना रहे हैं, यानी एक पेयर 0 देगा, तो ये टोटल कितना बन गया मेरे पास, 1 0। इसी तरीके से मुझे नंबर ऑफ 2s निकालने होते हैं नंबर ऑफ 5s। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 है, 4 है, उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 में भी 2 आता है, 8 में आएगा, फिर आपके पास 10 में आएगा, फिर 12 में आएगा, 14 में आएगा, 16 में आएगा, 16 की पावर 32, ठीक है, फिर आपके पास 18 आ रहा है, जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उन सब में 2 है, बट मेरे पास लिमिटेशन किसकी है, 5 की। अगर मुझे नंबर ऑफ 5 पता चले तो मैं कह सकता हूँ
कि हाँ जी नंबर ऑफ टूज तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट नंबर ऑफ फाइव्स अगर कम है तो जितने नंबर ऑफ फाइव्स टूज उतने उठाओ और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पाँच देखो कहाँ कहाँ पे, ध्यान से। अब जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था या जिनका नहीं हुआ तो ध्यान से देख लो, ऐसा मैंने कोर्स में भी करवाया था और यूट्यूब सेशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे, ठीक है। चलो देखो, 5 की पावर 10 आएगा, फिर 5 × 10 10 की पावर 20 आएगा मेरे पास, अच्छा फिर 15 की पावर 30 आएगा, फिर 20 की पावर 40 आएगा, फिर 25 की पावर 50 आएगा। यहाँ यहाँ पे मेरे पास 5 आ रहा है, जो 2 है उसको छोड़ दो, 5 को लो। देखो यहाँ पे कितना है, 5 की पावर 10 है, अच्छा ये कितना है, 2 की पावर 20 इंटू ऑफ, क्या 5 की पावर 20 है, यस बिल्कुल। ये कितना आएगा, 3 की पावर 30 इंटू ऑफ 5 की पावर 30, स्प्लिट कर दीजिए इसको। देखो ये कितना है, ऐसे लिखोगे 4 की पावर 40 इंटू ऑफ 5 की पावर 40, यहाँ तक ठीक है, 4 × 3 = 7 दोनों एक 100 आ गया यहाँ तक। अब ये क्या होएगा, 5 का स्केयर, होपफुली ये दिख रहा होगा, यस 5 का स्केयर, इसका होल्स की इसके होल पावर 50 है, तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 100। तो जितने 5 उतने 0, क्योंकि नंबर ऑफ टूज ऑलरेडी मेरे पास 5 से ज़्यादा है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये कितना हुआ, देखो 10, 30, 60, 100 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी 200 इज द राइट आंसर, क्लियर। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट अगर कॉन्सेप्ट या आपने लॉजिक नहीं लगाया तब दिक्कत है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन 9517716551 इस नंबर पे प्लीज कॉल कीजिए, आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे से जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट है तो डाउट सेशन भी आपके पास आते हैं प्रॉपर, आपको बता, तो आप इस नंबर पे डाउट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले, होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट पी क्यू बी ऑड एंड आर एस बी इवन, मतलब पी क्यू मेरे पास ऑड है, पी क्यू इज ऑड, पता ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी था, डिटो तो नहीं था वो, जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा जब अभी एक थोड़े दिन में मैं कंपैरिजन भी करवाऊंगा 2024 और 2023 के पेपर की, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या करना है। अगर मैं बेसिकली बात करूं, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, वो आसान लेवल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा मतलब बराबर ही था, अगर ऑड इवन की आपको अच्छे से पहचान है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेट पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नेचर, लेट पी क्यू बी ऑड एंड आर एस बी, मेरे पास इवन है, आर आर एस मेरे पास इवन है, क्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग, सबसे पहले स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है मुझे, ध्यान से देखो इस तरह के क्वेश्चन को ना ऑड इवन में थोड़ा देख के चलिएगा, ठीक है। पी माइनस आर का होल स्केयर इंटू ऑफ क्यूब इंटू एस, देखो पी मेरे पास क्या है, पी एक मेरे पास ऑड नंबर है, यानी ऑड, ओ का मतलब ऑड और ई का मतलब इवन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑड को और ई इवन को, क्लियर है। चलो आर मेरे पास क्या, आर मेरे पास एक इवन नंबर है, तो इवन इसका स्केयर इंटू क्यूब एस, क्यों कितना है मेरे पास ऑड और एस मेरे पास क्या है इवन। अब मेरी बात सुनो, जब किसी ऑड नंबर को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ये आपके पास आएगा इवन। अब ये मेरे पास ऑड आए इवन आए क्या मैटर कर रहा है, क्योंकि ऑड आएगा जब भी ऑड से इवन से मल्टीप्लाई करने पे इवन आएगा, वैसे तो ऑड आएगा, ऑड का स्केयर भी ऑड ही होता है मेरे पास, ऑड इनटू इवन इज इवन, तो पहली सिचुएशन मेरी क्या होगी, करेक्ट। पहली सिचुएशन क्या होगी स्टूडेंट्स मेरी, करेक्ट, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से चल रहा है, ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं ज़रा, सेकंड इज क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस का होल स्केयर इनटू ऑफ, ये भी मेरे को इवन देखना है कि क्या ये इवन है, पहले वाले तो इवन आ गई, क्या ये भी इवन होगी। देखो क्यों क्या मेरे पास ऑड, एस मेरे पास क्या इवन, तो ऑड माइनस इवन का होल स्केयर इंटू ऑफ क्यू स्केयर इंटू एस, क्यू स्केयर क्या है मेरे पास
ऑड का स्क्वायर एस इज इवन, तो ये वैल्यू क्या होगी इवन और ये क्या होगी ऑड, तो आंसर इज डेफिनेटली मेरा इवन। तो दूसरा भी मेरे पास बिल्कुल सत्य है, सही बिल्कुल स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है। चलिए थर्ड वाली को देख लेते हैं, जरा यहीं में लिख लेता हूँ। देखो थर्ड वाली क्या है, क्यू प्लस आर होल स्क्वायर इंटू पी प्लस एस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बस बीच में जो सेकंड वाली है स्टेटमेंट उसमें प्लस का सिंबल आ गया, क्यू प्लस आर, क्यू क्या ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन ऑड होगा, ऑड का स्केयर ऑड, वन में आप टू जोड़ोगे तो थ्री आएगा ना, हाँ ठीक है, इंटू ऑफ पी प्लस एस, पी क्या मेरे पास ऑड, एस मेरे पास क्या इवन, तो ये भी ऑड इंटू ऑड क्या आएगा मेरे पास, ये भी ऑड ही आएगा, तो लास्ट वाला भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, वन टू एंड थ्री तीनों के तीनों सही थी ये, क्लियर। तो 2000 देखो मैं अभी भी यही बात कहता हूँ, जब भी आप सीसेट की तैयारी करें ना किसी भी एग्जाम की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2014-15 से लेके आपको 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर बार बार रटवाए, बार बार करवाए, रीज़न यही था कि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, और इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आता तो आप इजीली कर पाएँ। तो होपफुली जिन बच्चों ने यूट्यूब सेशंस भी अच्छे से किए होंगे उनका पेपर भी ठीक ठाक हुआ होगा, बट जो बैच में थे उन्होंने तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे कन्फर्म में, 100 प्लस ही जाएगा, बाकी देखते हैं लेट अस सी, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद चली जा रही है बच्चों से बातें हुई हैं, ठीक है, अभी करेंगे उनसे भी थोड़ी विचार विमर्श। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इन रिस्पेक्ट ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ईच लेस देन 10। एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से कम है, ये मेरे को एक थोड़ा सा इसने क्वेश्चन में हिंट दिया कि क्या क्या हो सकता है। देखो अगर मैं एस की बात करूं, एस मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बट उसने एक चीज़ और बोली कि एस जो मेरे पास एक्स वाई जेड है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 से कम है, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, क्योंकि यही मेरे पास 4 प्राइम नंबर पॉसिबल हैं जो मेरे पास टिकेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन में दी हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी जीरो। उसने कुछ नहीं बोला कि एक्स वाई जेड की कोई कौन सी वैल्यू लो, बट एक्स वाई जेड की जो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू लेनी है वो क्या होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 3, 5 और 7, 3 चारों में से मुझे चूज करनी है। तो सपोज करो पहले स्टेटमेंट के लिए मैंने जो एस की वैल्यू चूज की है ना, मुझे बेसिकली जीरो चाहिए, 2 प्लस, अगर मैं इसमें देखो 2 प्लस 3 प्लस 5 ले लूँ तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा भी हिट एंड ट्रायल वाले ने था कि आप लोग कर ही ना पाओ, 5 3 8 2 10 तो क्या जीरो आ गया, यूनिट डिजिट, यस मुझे यही तो करना है, मुझे इन चारों नंबर्स में से कोई 3 नंबर चूज करना है, मुझे देखना है कि क्या आ रहा है बेसिकली, क्लियर। तो पहली सिचुएशन क्या होगी, ट्रू होगी, देखो मुझे नंबर चाहिए दूसरा 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एंड में मुझे 9 चाहिए, आगे कुछ भी नंबर हो डजंट मैटर फॉर मी, ठीक है। नाइन भी बनेगा तो चलेगा, देखो ऐड करो, पहले 3 को ऐड करने से नहीं आ रहा, देखो इन तीनों को ऐड करो नहीं आ रहा, नेक्स्ट 2 5 7 और 7 14 नहीं आ रहा, 3 5 7 7 3 10 7 15, तो यहाँ से 9 मुझे कोई भी कंडीशन लगा लो 9 नहीं मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा। देखो कैसे करना, आपने सपोज करो एक्स की वैल्यू पहले आपने 2 ली, एक्स की वैल्यू आपने 2 ली, 9 बनने के लिए या तो 9 बने या 19 बने, तो 19 तो बन नहीं सकता क्योंकि 7 5 12 15 16 17 इन चारों को ऐड करने पे मेरे पास कितना बन रहा है, 7 3 10 7 17, ठीक है 7 5 12 17 बन रहा, तो 19 बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या x प्लस वाई को ऐड करने में मेरे पास 7 बन सकता है, और एक नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना होता, ध्यान रखना इस केस में, ठीक है। तो 7 कैसे बनेगा, 7 तो दिया ही हुआ, 0 मेरे पास है नहीं, 1 2 में यूज़ कर चुका हूँ, 5 भी लेता हूँ, अगर इसको 5 ले लिया ये मुझे 2 चाहिए तब भी पॉसिबल नहीं है, 3 ले लिया तो 6 चाहिए वो भी, 3 ले लिया तो 1 चाहिए वो भी पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी कंडीशन में सेकंड वाली इक्वेशन तो मेरी सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, समझ आ गई बात। तो ये आप करके देख सकते हो थोड़ी थोड़ी एनालिसिस की, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्या। चलिए
इसी तरीके से आप तीन लेते हैं तो क्या चाहिए था मुझे, छः चाहिए था, नहीं होता। पाँच लेते चार चाहिए था, वो भी नहीं होता। सात लेते दो चाहिए था, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना जीरो के नहीं बन सकता, जीरो तो चाहिए चाहिए। ठीक है चलो, नंबर थ्री पे क्या है, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मुझे क्या चाहिए, एक्स फाइव यानी यूनिट डिजिट मुझे पाँच चाहिए, तो बन सकता है। दिख रहे हैं तीनों को ले लो, सात तीन दस पाँच पंद्रह, अगर पाँच तीन प्लस पाँच प्लस सात, सात तीन दस पाँच पंद्रह बन गया, तो ऑप्शन नंबर तीन। तो क्या आंसर था इसका, वन एड थ्री ओनली, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है हाँ यस, वन एड थ्री ओनली। ठीक है चलो, चलिए क्लियर हो गया, होपफुली क्लियर होगा, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये था काफी अच्छा क्वेश्चन, टू 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 की पावर थ्री 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 प्लस थ्री 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 की पावर टू टू टू। मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना किस किस का आंसर ठीक था इसका। चलिए देखो, ये क्वेश्चन वैसे बड़ा इजी था, यूनिट डिजिट से आप कर सकते थे, बट अगर कोई कह सर मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करवाना, क्योंकि मेरे पास आया था एक मैसेज ये सर ठीक है, बाई चांस यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में ना आए तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना, बताते हैं क्या करना है। देखो तो लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा लॉन्ग भी मेथड के डिटेल में बताऊंगा, बट एंड में फिर मैं यूनिट डिजिट वाला भी आपको बता दूंगा। ठीक है देखिए क्या दिया, टू टू की पावर थ्री 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 प्लस थ्री थ्री की पावर, ये बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। देखो आपको क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, इसको मैं ऐसे लिखूँ, टू टू इंटू वन 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 की पावर थ्री 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 प्लस थ्री इंटू वन 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 की पावर, लिख सकते हैं। देखो अगर मेरे पास ए बी की पावर एक्स है तो आई कैन राइट इट लाइक दैट, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, टू की पावर थ्री थ्री थ्री, वन की पावर थ्री थ्री थ्री, देख सकता हूँ स्प्लिट करके बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस ऑफ थ्री की पावर टू टू टू, ट्रिपल वन की पावर टू टू टू, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो अगर मैं ट्रिपल वन, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, टू की पावर थ्री 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 इंटू वन 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 की पावर वन 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 इंटू वन 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 की पावर टू टू टू, लिख सकता हूँ स्प्लिट फर्दर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, कि अगर ए की पावर एक्स है मेरे पास और ए की पावर वाई है, आई कैन राइट इट लाइक दैट, ए की पावर एक्स प्लस वाई, बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा एक एक चीज़ के साथ कि क्यों ऐसा हो रहा है, इस अर्सन इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्लियर। अच्छा प्लस थ्री की पावर टू 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 इंटू ऑफ वन 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 की पावर टू टू टू, क्लियर। अब यहां से मैं कॉमन लेने वाला हूं वन की पावर टू टू टू, टू की पावर थ्री 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 इंटू वन 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 की पावर वन वन वन, थर्टी थ्री था ओ, प्लस थ्री की पावर टू टू टू। अब देखो यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि यहां टू है कुछ कॉमन, यहां थ्री है, बट मेरे पास ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ये मेरे पास क्या है, क्या 37 इंटू थ्री मेरे पास 90 प्लस 21 111 होता है, यस। तो ये क्या दे रहा है मुझे, 3 भी है या हमें यहाँ से मिल रहा है, 37 भी मिल रहा है, और यहाँ से मुझे 3 नहीं मिल पाएगा, समझा की बात, यहाँ से मुझे क्या मिल पाएगा। अगर बाई चांस आप देखना भी चाहो, क्या यहाँ से 2 मिलेगा, 2 की साइक्लिसिटी क्या है मेरे पास, देखो यहाँ से 2 की साइक्लिसिटी 4, 2 की पावर 1 2 इंटू 1 1 1 की पावर ऑड, तो 2 इंटू 1 इज 1 आ 2 आ गया यहाँ से, प्लस ये क्या आएगा 3 की साइक्लिसिटी 4, 3 एकम 3, तो यहाँ से मेरे पास ऑड मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे 3 2 तो मिल नहीं रहा, तो आंसर इज जहाँ जहाँ पे 2 हटा दो, 2 3 2 एंड 37 2 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी बैठेगा। आप इसको देखो, ये तो मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया ना, अगर इसको आप नॉर्मल साइक्लिसिटी के थ्रू भी करते तो कैसे करते, देखो अगर मैं दो की
इसको लिखूं 2 की पावर 3 3 3 प्लस 3 की पावर 2 2 2, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो, अगर मैं सिर्फ का यूनिट डिजिट ही कंसीडर कर लूं, मुझे पता चल जाएगा ऑड है कि इवन है। क्लियर? देखो, 2 की पावर 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है, 2 की पावर 1 2, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा, 4 2 की जो 3 की साइक्लिसिटी वो भी 4 होती है, कितने पे गया, 3 220 पे गया, 3 3 9, तो यहाँ से मुझे यूनिट डिजिट मिल रहा है, मुझे ऑड मिल रहा है। यहाँ पे मैंने प्रूफ करके देखा ऑड मिल रहा है, तो अगर ऑड मिल रहा है तो ये नंबर 2 से कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकता। बेसिकली ये जो आपको कंपैरिजन थी ये पेपर में लगानी थी, बट अगर डिटेल में चाहिए तो आपके पास ये है कि कॉमनवेयर लेके अगर आप समझना चाहते हैं क्वेश्चन को तो बेसिकली डिटेल इसकी ही है। क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट इसको ज़रा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए, चलिए नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 एंड 2। कंसिडर द क्वेश्चन, क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। जहां पे एक्स और वाई क्या मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर? स्टेटमेंट वन क्या बोल रहे हैं, एक्स अपॉन वाई इज ऑड, क्या एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो मुझे ऑड दें? और सेकंड क्या है, एक्स इंटू वाई इज 12। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था आपके पूरे सी सेट के पेपर का, अगर मैं बात करूँ। क्यों? देखो यार, एक्स जब स्टूडेंट्स आप एक्स वाई की वैल्यू 12 पुट करोगे तो क्या आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं? 1 इंटू 12 लिख लो, 4 इंटू 3 लिख लो, 3 इंटू 4, 2 गुना 6, 6 गुना 2, अलग अलग मैंने ले लिए, लिख सकते हो? लिख सकते हैं। अब इसी को पहले इक्वेशन में लगा के देखो, एक्स अपन वाई जेड और जब आप 6 और 2 पुट करोगे, 6 बटा 2 तो 3 आ गया, तो 6 गुना 2 भी 12 होता है। यस, यूनिक वैल्यूज आ गई 6 एंड 2, तो क्या आंसर आएगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर बोथ द यूजिंग स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर द स्टेटमेंट अलोन, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। समझ आई बात? तो जिन्होंने पेपर देना है 2025 का, या जिनकी थोड़ी गड़बड़ हुई है इस बार कि जीएस पेपर वन अच्छा नहीं हुआ या सी सेट अच्छा नहीं हुआ, वो थोड़े से संभल जाएं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका अब लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब लेवल कहने का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले हैं वो बढ़ रहे हैं। समझ आ गई बात? तो प्लीज़ जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब होपफुली आपने कर दिया होगा। कोई डाउट हो 9517 1651 इस नंबर पर आपने कॉल करनी है, इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप भी करना है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट इज चलिए देखिए, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2, कंसीडर 1 एंड 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या दिया, इफ एक्स इज एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर, वो कह रहे कि क्या एक्स प्लस वाई के इंटीजर हो सकता है? मुझे कुछ ज्यादा प्रूफ नहीं करना क्वेश्चन में, सिर्फ मेरे को स्टेटमेंट देखनी है और मुझे देखना है। देखो, पहली स्टेटमेंट क्या है, 2x + y इज एन इंटीजर, वो कह रहा है कि एक्स की कोई यूनिक वैल्यू ऐसी हो कि मैं इसको इंटीजर प्रूफ कर पाऊँ। क्वेश्चन कह रहा है 2x + y इज एन इंटीजर। देखो, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट हो, यानी पहली स्टेटमेंट जब आप लोगे 2x + y, देखो एक्स को जब आप नेचुरल नंबर पुट करोगे तो डेफिनेटली इंटीजर आएगा, तो बट साथ साथ स्टेटमेंट 1 और 2 भी मुझे प्रूफ करके देखने की क्या हो सकता है। देखो, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो भी पुट करोगे वाई को 1 2 3 4 5 पुट करोगे आएगा। अगर बाई चांस एक्स को मैं 1/2 पुट करता हूँ तो कितना है, 3/2 ले लो, 2 × 1/2, वाई को 1 ले लो तो 2, यस इंटीजर है, बिल्कुल क्लियर आ गई बात। अब स्टेटमेंट 1 को देख के नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि x और y की वैल्यूज अलग अलग है मेरे पास। x मेरे पास रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, p ओपन q फॉर्म में, और मेरे पास, और y जो है मेरे पास एक नॉर्मल नेचुरल नंबर लिया मैंने, ठीक है, x + 2y, यहाँ भी सेम क्रिटेरिया होगा। बट क्या मैं किसी एक को लेके बोल सकता हूँ? नहीं, मैं किसी एक को लेके नहीं बोल सकता। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग
तो सी मेरा बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इसमें। मैं किसी एक इक्वेशन को लेकर नहीं बोल सकता, मुझे दोनों को अलग अलग लेके देखना पड़ेगा, कंबाइंड करके मैं कोई फाइनल रिजल्ट पे आ सकता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं मैं बोल सकता। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। द सम ऑफ द टू डिजिट ए बी एंड सी डी इज 3, डिजिट नंबर 1CE, वेयर द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई डिनोट्स डिस्टिंक्ट डिजिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। मैक्सिमम मिनिमम उसने कुछ नहीं बोला, उसने ये पूछा एक्स ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 9, 8, 7 कैन और डाटा इनसफिशियंट, क्या तीन में से जो वैल्यूज हैं कोई हो सकती है। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन। देखो मेरे पास ए बी में मैंने क्या जोड़ा है, ए बी में स्टूडेंट सामने जोड़ा सी डी, और मेरे पास क्या आया 1, मेरे पास ये 1C आ गया, इजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने आपको बहुत बार एक चीज बताई जिसका इक्वेशन में यूज होना था, एक्स वाई को कैसे लिखूंगा मैं, 10x+y लिखूंगा। ये एक दो डिजिट के नेचुरल, दो डिजिट का जो नंबर है मेरे पास उसकी बेसिक इक्वेशन है कि एक्स वाई दिया हो तो 10x+y इसको मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। ए बी क्या आएगा मेरे पास, 10a+b। सी डी क्या आएगा, 10c+d आएगा। और तीन नंबर को अगर एक्स वाई जेड लिखाओ उसको आप लिखोगे 100x+10y+z, 100x+10y+z इसको ही लिखोगे तो ये कितना हो गया, 100+10c+e। बेसिकली यही बनेगा मेरे पास कि 100 में सी प्लस, क्योंकि 1c को मैं क्या लिखूंगा, बेसिकली 1c मेरे पास क्या है, 100+e, बेसिकली दिस इज द नंबर, तो 100+10c+e लिखा इसको मैंने, कुछ कैंसिल आउट हो रहा, देखो 10c 10c यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली मेरे पास क्या बना, 10a+b+d इज इक्वल टू 100+e। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, देखो जब इस तरह का क्वेश्चन लो ना आपको थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा स्टेबल रखना पड़ता है। रीज़न क्या है, देखो अगर मैं इसके लिखूँ 10a+b+d, मतलब b को मैक्सिमम 9 पुट कर सकता हूँ, d को भी 9, तो मतलब इसका जो सम है मैक्सिमम मेरे पास 18 हो सकता है, हो सकता है e मेरे पास, हो सकता है e मेरे पास एक सिंगल डिजिट का नंबर है, e मेरे पास एक सिंगल डिजिट का है, बी ओ डी मेरे पास 4+5, 6, 3 कुछ भी हो सकते हैं, ई पे डिपेंड करेगा। अब ए को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, देखो अगर बाई चांस ए को मैंने 8 पुट किया, आई कैन पुट 8, ठीक है। अब मेरे पास अगर 8 है तो 10 × 8+, अगर ये 4 है 5 है तो 3 डिजिट के नंबर तक ही नहीं पहुंचा, 80+, इसको 9+9 होना पड़ेगा, 80 मैक्सिमम पुट करोगे 18, ये तो 3 डिजिट के नंबर तक ही नहीं पहुंचा, तो ए 8 में 8 से कम नहीं पुट कर सकता, इससे बड़ा नंबर ही आएगा, वो क्या आएगा मेरे पास 9। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस को ना मॉडरेट लेवल पर रख के करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ए को 9 पुट कर दिया कितना 90+ कितना आ गया आपके पास, b+d आ गया, और ये कितना आएगा 100+e। अब आप सोच सकते हो कि हाँ कुछ आंसर आने की उम्मीद है। क्लियर? तो बहुत शांत तरीके से शालीनता से करने वाले क्वेश्चन थे ये, कुछ इसमें ज़्यादा सोचना पढ़ना था, ठीक है। क्लियर? चलिए होपफुली क्लियर होगा। चलिए जी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी बार करवाया था कि ये नंबर कितने से कितने बार आएगा। अभी जब मेरी क्लास थी बैच की लास्ट के 3-4 दिनों में जब हम क्लासेस ले रहे थे तब भी ऐसे क्वेश्चन करवाया था भाई ये नंबर, बल्कि मैंने तो 1 से 1000 तक का करवाया था ये नंबर कितनी बार आएगा। तो जिसने वो कर लिया होगा ये तो छूटेगा नहीं उसका, ट्राई कर सकते हैं आप, प्लीज़ आंसर तो आपको पता लगी क्या होगा इसका क्या है, बट वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। देखो क्या दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग। देखो 1 2 पहले 100 की बात करो,
पांच का अंक क्या पाएगा, पांच के पांच पे आएगा, 15 पे आएगा, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 आएगा नहीं आएगा? क्लियर? कितनी बार होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 टाइम्स हो गया नाउ। बट अभी भी मेरे पास एक पूरी रो बची हुई है, कौन सी वाली, 50, इसको मत भूलिएगा, 50, 51, 52, 53 और 55 को दो बार मत लीजिएगा, 56, 57, 58 एंड 59। क्लियर? देखो ये कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, मतलब प्लस 9 टाइम्स। तो टोटल मैं बात करूँ 20 टाइम्स हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको ना सी सेट में पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है? जब मैं बोलता हूँ ना, जब कंपैरिजन लेके आऊँगा ना, मैं आपको बताऊँगा प्रीवियस ईयर लेक्चर्स या चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके इस पेपर को लेके, मैं कंपैरिजन करूँगा कुछ दिनों में, ठीक है? अगर मैं बात करूँ 101 टू 200, तो क्या अभी 20 टाइम्स आएगा? यस। आप देखोगे सिमिलरली तो टोटल यहाँ तक कितना हो गया, 40 टाइम्स हो गया, 40 टाइम्स हो गया। अब नेक्स्ट जब आप बात करोगे किसकी, 201 टू 260, ये थोड़ा सा आपको सतर्कता से धैर्य से चलना है, क्लियर है? कितना आएगा देखो, 205, 215, 225, 235, 245 एंड 255, ठीक है? उसके बाद 265 आएगा, वो मेरी रेंज से बाहर है। और फिर वही बात, 50 आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा, 55 आ चुका है, 56, ये 22 लगा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 257, 258, 259। तो ये कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 16 टाइम्स ये हो गया। 40 + 16 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर बी 56। तो दीज वर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर बेस्ड सी सेट, ठीक है? चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ आएगा और डिटेल में मैंने एनालिसिस आपको दी है ताकि समझ आए, क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीरीज बन रही थी जिसमें आपको बिल्कुल देख के चलना था, जिसमें आपको बिल्कुल देख के चलना था भी क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा मेरे पास, ठीक है? चलो देखो मेरे पास क्या, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो पहले क्या था, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा एनालिसिस करो ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। क्या दिया, पहले वन दिए, फिर क्या दिया, फिर वन टू, अगर मैं ऐसे लिखूं तो समझ आएगा, फिर क्या आएगा, वन थ्री टू, फिर 1 4 3 2, टू फिर क्या आएगा, 1 5 4 3 2। तो टोटल 28 टर्म्स बोलनी है कितनी होगी, एक मतलब एक हो गया, तीन हो गया, तीन तो पाँच एक छः हो गया, चार तीन सात दो नौ एक दस हो गया, पाँच चार नौ एक दस, तीन तेरह तो 15 हो गया। और टर्म्स कितनी होगी, पाँच चार नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, ठीक है? अगले कितने टर्म्स होगी आप लिखोगे तो ध्यान से देखो सीक्वेंस क्या होगा, 1 6 5 4 3 एंड 2, तो 6 5 11 12 4 16 17 18 19 20 21, नेक्स्ट कितना होगा, 21। लास्ट वाला कौन सा आएगा, 1 7 6 5 4 3 2, 7 8 8 14 4 18 4 22 24 25 26 27 27 28 28। टर्म्स कितनी होगी देखो, 3 3 6 4 10 5 15 और 21 और 7 28, तो 28 + 21 49, 49 + 15 64 और 10 74, 80 और 84 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर? तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर सिस्टम, क्लियर? सो होपफुली ये जो क्वेश्चन आज हमने किए पार्ट वन में आपको इजीली समझ आ गए होंगे, इसका पार्ट टू भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि बिल्कुल आराम से क्वेश्चन समझाने जरूरी है, क्योंकि ये आपको ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे, क्लियर है? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
जो हमारा नया बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9517716 रजिस्टर कीजिए, आप कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बिकॉज कंपेयर करके नहीं दिखाया मैंने, दवा किया कि ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं, क्लियर? सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।